हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो होगा मंडे हमारी कौन सी वॉच लिस्ट होगी, इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक हमारे बाइंग में होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग में होंगे और हम वो लॉजिक के साथ देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहले हम जो कल की वॉच लिस्ट है उसको देख लेते हैं, उसने कैसा परफॉर्म किया, बाद में हम मंडे का देखेंगे। तो पहले इसमें देख रहा हूं तो बीपीसीएल मेरे सेल लिस्ट में था, तो बीपीसीएल को मैं देख रहा हूं तो बीपीसीएल क्या है कि एक रेंज में ही फंसा पड़ा था, तो मोस्टली चांस था कि उसमें हमारी एंट्री नहीं होती। बाद में हमारा दूसरा स्टॉक था वो एसआरएफ था, तो एसआरएफ हमारे सेल लिस्ट में था, तो इसको मैं देख रहा हूं तो आपको एक आइडिया आ ही जाएगा कि देखो ये थोड़ा अप जाने के बाद एक डाउन ट्रेंड दिया है और एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड दिया, तो इसने आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दिया। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक था वो पीएफसी था, तो पीएफसी देख रहे तो नॉर्मल सी बात है डाउन ट्रेंड में जाइए था हमें, मतलब हमारे सेल लिस्ट में था, लेकिन ये रिवर्स होके ऊपर चला गया तो इसमें हमारा कोई ट्रेड बना नहीं था। बाद में एक्सिस बैंक हमारे डाउन ट्रेंड में था, तो आपको नॉर्मली दिख ही रहा है एक्सिस बैंक आपको छोटा सा डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। उसके बाद है टीसीएस हमारे बाय लिस्ट में था लेकिन ये डाउन साइड चला गया, तो इसमें हमारा कोई क्या है कि ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। देखो कोई भी स्टॉक हो आप जिस साइड ले रहे हो, अगर उस साइड क्या है कि बाइंग या सेलिंग सिग्नल देता है तब आपको उसमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टीसीएस बाइंग में लिया है तो सेल में भी मिल रहा है तो ले लो, समझ गए। आपने बाइंग कुछ सोच के लेके जा रहे हो तो अगर उसमें बाइंग मिल रहा है तब आप उसमें ट्रेड लो, अगर सेलिंग मिल रहा है तब मत लो, ओके। उसके बाद था हमारा डॉक्टर रेडी हमारे बाइंग लिस्ट में था, लेकिन ये भी क्या हुआ कि आपको मॉर्निंग में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल गया, मतलब पहले 30 मिनट में एक अच्छी से अपसाइड देखने को मिल गई लेकिन बाद में ये डाउन साइड आ गया। अगर आपने इसको मॉर्निंग में कैचअप कर लिया होता तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हो चुका होता। अब देखते हैं मंडे हमारी कौन सी वॉच लिस्ट होगी, उसमें कौन से बाइंग वाले होंगे, कौन से सेलिंग वाले स्टॉक होंगे। तो अब देखते हैं मंडे की वॉच लिस्ट। अब हम देख लेते हैं मंडे कौन से हमारे स्टॉक बाइंग में होंगे, कौन से स्टॉक हमारे सेलिंग में होंगे। तो पहला स्टॉक होगा वो ONGC होगा, ONGC मेरी बाइंग लिस्ट में, अगर ये बाइंग लिस्ट में है तो क्यों है वो देख लेते हैं। तो ये आपको एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, तो हो सके ये थोड़ा रिट्रेस या थोड़ा अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। मंडे ये मेरी बाइंग लिस्ट में होगा, अगर मेरे को ये कोई बाइंग सिग्नल देता है तब मैं इसमें बाइंग करूंगा। बाद में आता है ITC मेरे बाइंग लिस्ट में सेम है, आपको एक क्या है कि अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और यह क्या है कि एक अनडिसीजनल कैंडल बना दिए इसमें, मतलब बाइंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है। तो हो सकता है क्या है कि इधर से जो सेलर है वो इधर से निकल चुके हो आगे वाले और नए बायर एक्टिव होने वाले हो, तो मैं इसको क्या है कि एक लेके जाऊंगा, अगर मेरे को इसमें प्रॉपर अपसाइड सिग्नल मिलता है तब मैं इसमें बाइंग में जाऊंगा। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक देख लेते हैं, तीसरा स्टॉक है वो मेरा PD Lite है, PD Lite में बाय में लेके जाऊंगा। अभी बाय में लेके क्यों जाऊंगा, देखो एक अच्छा सा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है और हाल फिलहाल ये क्या है कि अपनी सपोर्ट लाइन के आसपास भी आ चुका है, ये मेरी सपोर्ट लाइन है तो उसके आसपास भी आ चुका है, तो हो सके ये कल क्या है कि थोड़ा डाउन ट्रेंड देने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट दे, तो मैं इसको लेके जाऊंगा, अगर मेरे को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं इसमें बाइंग करूंगा। बाद में मेरा आखिरी स्टॉक है वो सेल के लिए HDFC में, सेल के लिए लेके जाऊंगा। अगर HDFC बैंक ने मेरे को सेल में कोई ऐसा सिग्नल दे दिया जहां से मैं शॉर्ट कर सकूं तो मैं HDFC बैंक में सेल करूंगा, और ये अपने हाल फिलहाल रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रहा है, मेरे को लगा कि ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा लेकिन प्रीवियस डेज ने क्या किया कि ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आ गया, तो हो सकता है इधर से ये नीचे आए, तो देखना पड़ता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर आपको क्या है कि शॉर्ट में लेके जा रहे हो तो शॉर्ट के सिग्नल दे तब आपको इसमें शॉर्ट करना है, ऐसा नहीं होता कि जैसे ही ओपन हुआ आप शॉर्ट में निकल गए, तो ये सब आपको देख के वगैरह लेना पड़ता है। तो आपको एक दिन पहले अगर वॉच लिस्ट बना लेते हो कुछ प्लान करके जाते हो तो अच्छा रहता है। तो ये थी हमारी ओर से मंडे के लिए वॉच लिस्ट, इसमें आपको HDFC बैंक सेल के लिए लेके जाना है, PD Lite बाय के लिए, ITC बाय के लिए, ONGC बाय के लिए। अगर बाय वाले बाइंग में सिग्नल देते तब बाय करना है, सेल वाले सेलिंग में सिग्नल दे तब सेल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है, आपको कुछ जानना है, तो सिंपल सा तरीका आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।